सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया था, संविधान पीठ ने फैसला किया था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड गैर संवैधानिक है, 6 तारीख तक SBI उसका हिसाब किताब की जानकारी दे। अब SBI कह रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कि हम जून से पहले जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो सोचिए, मार्च में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, अप्रैल मई में चुनाव हो सकता है, और जून में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश को जानकारी देगी, सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगी, मतलब तब तक सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा, शांत हो जाएगा। और मान लीजिए सरकार वापस आ गई तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदला जा सकता है संसद से बिल लाकर। लेकिन सवाल है कि क्या TV अखबार पर आपने ये बहस देखा? राहुल गांधी ने इसको लेकर बड़ा सवाल पूछा है। वहीं एक कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जो है वो BJP के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या वो जज साहब ने जिस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे उस पार्टी के पक्ष में फैसले नहीं दिए होंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में मीडिया और जुडिशियरी दो ऐसी जगह है जहां अभी भी डाइवर्सिटी नहीं है, जहां रिप्रेजेंटेशन नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, और वहां के हर फैसले को जाति की नज़र से देखिए तो आपको समझ में आएगा, या पार्टी की नज़र से देखिए। UP में जौनपुर से धनंजय सिंह चुनाव लड़ने वाले थे, BJP ने वहां कृपा शंकर को टिकट दिया था। अब धनंजय सिंह को 2020 के एक अपहरण के केस में दोषी ठहरा दिया गया है, कल सजा सुनाया जाएगा, इसको भी लोग चुनाव से देख रहे हैं। तो वो जो हाईकोर्ट के जज साहब है उनके सारे फैसले का रिव्यू नहीं होना चाहिए? और तीसरी बड़ी खबर है कि BSP का तेलंगाना में BRS से गठबंधन हो सकता है। ये अच्छी खबर है, कम से कम रीजनल फोर्सेस से तो गठबंधन हो, लेकिन वहां BSP और तेलंगाना के गठबंधन का सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि वहां BJP है ही नहीं रेस में। अगर BSP तमिलनाडु में कहीं गठबंधन करती है, लेकिन गठबंधन करने का सबको हक है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सबसे पहले बात इलेक्ट्रल बॉन्ड की। सोचिए, काफी दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी जो है वो आम किया जाए, शेयर किया जाए। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है पहले वो समझ लीजिए। दरअसल पहले चुनावी चंदा जब किसी दल को कोई देता था तो उसका हिसाब किताब रखा जाता था और उसकी जानकारी आम की जाती थी, सार्वजनिक की जाती थी। उसके बाद जब BJP की सरकार आई और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने एक नियम बनाया कि हम इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा लेंगे। मतलब कोई कंपनी किसी पार्टी को अगर चंदा देती है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, चाहे 1 करोड़, चाहे 1,000 करोड़, चाहे 1,00,000 करोड़, तो उसकी जानकारी किसी को नहीं पता चलेगा। SBI सिर्फ बैंक, और वो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड सिर्फ SBI बेचती है, SBI को पता चलेगा, उस कंपनी को पता है, और पॉलिटिकल जिस पार्टी को चंदा मिला है उस पार्टी को पता है। अब मैं आपको थोड़ा चंदा बता दूं, अब तक लगभग 6,000 करोड़ BJP को मिला है, 1,000 करोड़ के आसपास कांग्रेस को मिला है, 900-1,100 करोड़ के आसपास ममता बनर्जी को मिला है, और सोचिए थोड़ा बहुत लेफ्ट पार्टी को भी मिला है, लेकिन BSP को 1 रुपया नहीं, RJD को नहीं, यहाँ तक कि JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी नहीं, मतलब दलित पिछड़े आदिवासियों की लीडरशिप वाली पार्टी, चाहे सपा हो, बसपा हो, RJD हो, JDU हो, इनको 1 रुपया चंदा नहीं मिलता है। आप सोचिए कि कम से कम JMM तो सत्ता में थी, नीतीश कुमार सत्ता में थे, उनको चंदा मिल जाना चाहिए था अगर सत्ता के नाम पर मिलता है। दरअसल सत्ता के नाम पर नहीं मिलता ये चंदा, ये चंदा मिलता है जाति आधारित पार्टी को, मतलब सबसे ज्यादा BJP को, फिर कांग्रेस को। अब सवाल है कि क्या इन दलों ने इन कंपनियों को कोई फायदा नहीं पहुंचाया होगा? मान लिया हम आपको 1,000 करोड़ का चंदा देते हैं, 10,000 करोड़ का हमको टेंडर दीजिए, क्या ये घूस नहीं हुआ? मान लीजिए हम आपको 500 करोड़ का चंदा देते हैं, आप हमें 1,500 करोड़ रुपये दीजिए, घूस नहीं हुआ? इससे पहले भी BJP पर आरोप लगे हैं कि 35 कंपनियों पर रेड मारे गए, माफ कीजिएगा, और 200 करीब चंदा जब मिला तो रेड का मामला रफा दफा कर दिया गया। तो सोचिए इस देश में दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए राजनीतिक दल चलाना कितना मुश्किल काम है। इसलिए मैं कभी भी सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM को ये नहीं कहता हूं कि ये लोग टिकट बेचते हैं। इनका पार्टी भी लोगों के चंदा से, समाज के चंदा से चलता है, और टिकट लेने वाले जो थोड़ी बहुत मदद करते हैं उससे चलता है। तो बहुजन समाज के नेता अपनी पार्टी भी चला ले रहे हैं, वही बड़ी बात है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ, जो ये मनुवादी मीडिया बताता है, इस देश में राजनीति का पैसाकरण हुआ है, पैसाकरण।
और दलित पिछड़े आदिवासियों की लीडरशिप वाली पार्टियों के पास जनसंख्या है, वोट है, पैसा नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, ममता, ये सब बड़ी पार्टियां नहीं है, पैसे वाली पार्टियां हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। तो सोचिए, चुनाव से पहले अगर ये जानकारी लीक हो जाती तो देश को पता चल जाता कि किस कंपनी ने बीजेपी को कितना चंदा दिया है या कांग्रेस को कितना चंदा दिया, और बदले में लोग कहते कि इसको ठेकेदारी क्या क्या मिली है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि चुनाव आयोग को इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए। SBI ने इस प्रक्रिया को काफ़ी समय लेने वाला काम बताते हुए समय की मांग की, जबकि सच्चाई है कि एक क्लिक पर यह सारी जानकारी आ सकती है। तो सोचिए किस तरह से इस देश में दलित पिछड़े आदिवासियों को मीडिया के जरिए बदनाम किया जाता है कि ये लोग भ्रष्ट हैं, घुसखोर हैं, और किस तरह से करोड़ों रुपए डकारने और 600 करोड़ रुपए चंदा लेने वालों को कुछ नहीं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नहीं चाहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां लोगों के सामने आए। खड़गे ने SBI पर भी सवाल खड़ा किया है। इससे पता है क्या होगा? इससे पता है कि साफ साफ पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं जो चंदा दे रहे थे और उसके बदले में क्या क्या इनको फायदा मिला है। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसको लेकर राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया था। कल्पना कीजिए, सोचिए, ये सबसे बीजेपी को किस दल ने कितना चंदा दिया, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ जाता अगर ये जानकारी लीक हो जाती। लेकिन सोचिए, इस देश में देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट दबाव बनाती है कि नहीं दोबारा कि ये जानकारी जारी की जाए, लेकिन अभी तक तो फिलहाल नहीं लग रहा है। अब सोचिए कोर्ट कैसे काम करता है। इस देश में मीडिया और कोर्ट दो ऐसी जगह है, आपको जब भी सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बना दिया कि जिसको भी 2 से 3 साल की सजा हो जाएगी वो चुनाव नहीं लड़ सकता, इस्तीफा देना पड़ेगा, 5 साल की सजा हो जाएगी। एक धनंजय सिंह यूपी में सवर्ण समाज के चुनाव लड़ने वाले थे, एक अपहरण के केस में उनको दोषी साबित कर दिया गया है। लालू यादव का राजनीतिक करियर खत्म हुआ। दलित पिछड़े आदिवासियों को सबसे ज़्यादा इस मामले में कन्विक्ट किया जाता है। सोचिए, जज साहब हैं, उम्मीद लगाई जा रही कि ये बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। और सोचिए, ये कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे, वहाँ तो कम से कम दलित पिछड़ा आदिवासी भी कोई नहीं था। ममता बनर्जी खुद ब्राह्मण समाज से हैं और इस जज साहब ने बहुत सारे ऐसे आदेश दिए जो सीधे सीधे ममता बनर्जी को बैकफुट पर ले जाता था। तो सोचिए मायावती के साथ क्या हुआ था, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह के पिटीशन डाले जाते थे और किस तरह से उन सरकारों को बदनाम किया गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में दलित पिछड़े आदिवासियों को बहुत सोच समझ के चलने के बावजूद भी आप बच जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। तो ये कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे और इन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा, आप कल्पना कीजिए। जिस पार्टी में ये जा रहे हैं, जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन एक कूलिंग पीरियड तो होना चाहिए, 3 साल 5 साल, 2 साल की सजा होगी। सोचिए, सवाल उठ रहा है कि जज साहब ने क्या क्या नहीं किया होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज पूछा जा रहा है। और सोशल मीडिया पर आप लोग बताइए कि कोई जज तुरंत नौकरी छोड़े, अभी एक ज्ञान बापी पर जिन जज ने फैसला दिया उनको तुरंत पद दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो थे उन्होंने राम मंदिर पर फैसला दिया उनको तुरंत संसद भेज दिया गया। तो ये सारे सवाल ऐसे खड़ा होते हैं जिससे शक पैदा होता है, और आखिर शक करे क्यों नहीं, क्योंकि इस देश में सबसे कम डाइवर्सिटी अगर कहीं है तो मीडिया जुडिशियरी में है। मीडिया में तो, जुडिशियरी में तो फिर भी अब इक्का दुक्का जज आने लगे हैं, सोचिए। लेकिन आप सोचिए, इस देश में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज जो है अब तक नहीं बन पाते थे, अब जाकर 3 शेड्यूल कास्ट के जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तमाम बड़े सवाल है जो आज पूछा जा रहा है। सवाल है कि इस तरह कब तक चलेगा, जब तक दलित पिछड़े आदिवासी किसानों की भागीदारी नहीं होगी इस देश में, तब तक इस देश की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, बहुत बढ़ती जाएंगी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। वहीं तेलंगाना में BSP और BRS का गठबंधन की बात सामने आ रही है, और लोकसभा में अगर ये गठबंधन होता है तो BRS को फायदा हो सकता है। अभी BRS के वहाँ सरकार हार गई थी और कांग्रेस सत्ता में है, तो ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। कोई TV अखबार आपको इसको तो आज दिखाया जाएगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये भी मेरे लिए बड़ी खबर। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि आखिर एक क्लिक पर सारी जानकारी आ सकती है,
सुप्रीम कोर्ट से क्यों समय मांग रही है एसबीआई, और क्या एसबीआई सुप्रीम कोर्ट ये समय दे देगी? और यही कोई दलित पिछड़े आदिवासियों की सरकार होती तो समय देती? सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा, जो हाई कोर्ट का जज तुरंत इस्तीफा देकर किसी दल से चुनाव लड़े, क्या उस दल से उसका कोई लगाव नहीं होगा, कोई फैसला नहीं दिया होगा? और इसी तरह से सोचिए, जो दल का हो सकता है, भारत एक जाति प्रधान देश है, जाति है कि जाति नहीं, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जजों में जाति को देखकर कितने फैसले होते होंगे, ये कल्पना कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।